Hey guys, welcome to Business Zest. आज का ये वीडियो में ना हम लोग सीखने वाले और हम लोग देखने वाले कि अगर आपको अमीर बनना है ना तो बस पांच क्वालिटी आप अपने अंदर ले आओ, फिर तो भाई आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है। आपके अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज होने जरूरी है, बहुत जरूरी है यार, तभी तो आप अमीर बनोगे ना। तो मेरा काम है आपको अमीर बनाना। अमीर मैं पैसे से तो नहीं बना सकता ना, लेकिन आपको मैं वैसा आदमी बना सकता हूँ जो मनी को अट्रैक्ट करेगा, वो भी बहुत सारे पैसे यार, बहुत एकदम खतरनाक पैसा अट्रैक्ट करोगे, एकदम मैसिव वेल्थ बिल्ड करोगे। ओके, सो अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि भाई ऐसा पांच क्वालिटी है यार, सिर्फ पांच क्वालिटी है, वो आप अचानक से नहीं ला सकते, लेकिन धीरे धीरे लाओ। देखो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आप अचानक से नहीं ला सकते। पहले एक महीने में एक क्वालिटी लाओ, दूसरे महीने में दूसरा क्वालिटी लाओ, लेकिन धीरे धीरे लाओ, लेकिन वो क्वालिटी आफ्टर वन ईयर आपके अंदर होना चाहिए। बात खत्म। अगर आपके अंदर, आप अपने आप को चेक करो, और अगर आपके अंदर ये पांच क्वालिटी होने वाले हैं ना जो ये वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर वो पांच क्वालिटी है तो भाई साहब कांग्रेचुलेशंस, आप अमीर बनने वाले हो फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म। देखो अमीर बनना ना ये गेम ऑफ साइकोलॉजी है, गेम ऑफ माइंड है। पहला अमीर कोई डायरेक्ट अमीर नहीं बनता है, पहला वो अमीर अपने मन में बनता है, उसके बाद में अमीर रियलिटी में बनता है, मतलब रियल वर्ल्ड में बनता है, समझे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सी क्वालिटीज है जो अमीरों में होती है, और ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिसके वजह से आप अमीर बनोगे। देखो आपको ना ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है कि मेरे पास इतना नॉलेज होता तो मैं अमीर बनता, ये करता वो करता, नहीं भाई। आपके जो छोटे छोटे हैबिट्स है ना, जो आप रोज करते हो दिन में, वही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा, समझे। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हे गाइस, मायसेल्फ फिराम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर साइनिंग इन बिजनेस जेस्ट। सो गाइस अभी आप मेरे स्क्रीन पे आ चुके हो, और मैंने इधर साफ साफ लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, टॉप फाइव क्वालिटीज दैट इज वॉश टू बिकम रिच। आपको पांच क्वालिटीज बताने वाला हूँ, फटफट सुनो, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। पहले क्वालिटीज पे आते, पहला क्वालिटीज है लर्निंग एटीट्यूड विद ग्रोथ माइंडसेट। भाई साहब आपके अंदर ना लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, वो भी ऐसे नहीं कि सिर्फ लर्न करते जा रहे हो। आप लर्निंग क्यों कर रहे हो, आप अपने लाइफ में अप्लाई कैसे करोगे ये भी पता होना चाहिए, इसी के लिए लर्न करना, समझे। ऐसा नहीं कि बस मैं बुक्स पढ़ते जा रहा हूँ, नंबर ऑफ बुक्स में बढ़ाते जा रहा हूँ, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वो वेस्ट होगा, टाइम का भी वेस्ट होगा और साथ में बुक का तो वेस्ट है ही। ओके, सो आपको पढ़ना ऐसा है जो कि आपके प्रॉब्लम हो, और उसके हिसाब से आप बहुत सारा चीज नया नया सीखते जा रहे हो, यानी कि अपने लाइफ में काम आए वैसा चीज पढ़ना है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाओ, आपको ना क्यूरियोसिटी पैदा करना पड़ेगा, और अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी आता है ना तो आपके पास ना एन नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने लगते हैं। सो वही मैं कह रहा हूँ कि बी क्यूरियस, अगर आप कोई भी चीज सीखने के लिए क्यूरियस होने लगते हो ना तो आप उसके गहराई में जाओगे, और आपको ना मजा आने लगेगा कि अरे यार ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरा प्रॉब्लम है तो मैं यही फेस कर रहा हूँ, चलो भाई इसका सोल्यूशन ढूंढते। आपको ना ऐसा पूरा लर्निंग करना पड़ेगा, वो भी क्यूरियस होके। तो अगर आप वो क्वालिटीज ला पा रहे हो ना अपने अंदर, तो भाई कांग्रेचुलेशंस, आप अमीर बनने के रास्ते पे हो। चलो बढ़ते सेकंड क्वालिटी के ऊपर, उसके पहले बता देता हूँ कि हाँ भाई देखो इधर मैंने लिखा है, अगर आपको अमीर बनना है ना तो आपको टीवी देखना छोड़ना पड़ेगा। अभी टीवी को छोड़ना इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल में टाइम पास करने लगो, इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ कि आपको फालतू चीजों का टाइम कट करके लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। भाई सॉरी, आपको अमीर बनना है ना तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्वालिटीज बदलो, बोल रहा हूँ बदलो, भाई प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। आप टीवी को ही हटा दो, या तो टीवी को ही कट कर दो, समझे, टीवी का कनेक्शन कट कर दो। आपको अमीर बनना है, आप अच्छी वीडियोस देखो, अच्छी ऑडियो बुक सुनो, अच्छा मतलब यूट्यूब पे जाके देखो। ओके, और यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट थोड़ा कर लेना यार, आधे घंटा एक घंटा कर लेना, लेकिन ज्यादातर आप फोकस करो कि मेरे को नया नया चीज सीखना है, जैसे कि स्टॉक मार्केट सीखना है, फिर मेरे को बिजनेस सीखना है, फिर मेरे को स्टार्टअप्स कैसे करते हैं ये सीखना है, तो ये सब सीखो, समझे। तो वही आपका क्वालिटीज है अमीर बनने का, फर्स्ट क्वालिटी। अब बढ़ते सेकंड क्वालिटी के ऊपर, वो है गोल ओरिएंटेड। भाई साहब आपका ना लाइफ में गोल होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेरा जन्म हुआ है, भाई मैं किस लिए जन्म हुआ हूँ। देखो भगवान कोई भी चीज कचरा नहीं बनाता है, आप कचरे नहीं हो। ओके, आप कचरे नहीं हो, तो भाई पता करो ना कि मेरा किस लिए जन्म हुआ है, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। मैं अमीर बन के लोगों की सहायता करना चाहता हूँ, कि मैं मतलब अभी से ही पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, वैसे सहायता करूंगा लोगों की। आप डिफाइन करो कि भाई मेरे को कौन सा, मतलब मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, मैं समाज सेवा के लिए पैदा हुआ है, कि मैं अमीर बन के लोगों की सहायता करने के लिए पैदा हुआ हूँ, कि मैं ऐसे क्या चीज, मतलब मैं अपने लिए अमीर बनना चाहता हूँ। ऐसा बहुत सारा रीजन हो सकता है, सेल्फिश रीजन भी हो सकता है और समाज सेवा का भी रीजन हो सकता है। ओके,
सो ये आप डिसाइड करो कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, और जब पर्पस मिल जाएगा तो उस हिसाब से आप अपना गोल बना लो, और जब गोल बनता है ना तब आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और एक डायरेक्शन मिलेगा काम करते रहने का, और यही होता है रिच लोग का क्वालिटी। और जब आपके पास एक बड़ा गोल होगा ना जिस जो कि आपका होगा, तो वो आपको ना एकदम खतरनाक सेल्फ मोटिवेशन देगा। आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं लगेगी, आपको बार बार कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा कि भाई बेटा काम कर, ऐसा नहीं मिलेगा। आपके पास ना सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा अगर आपके पास अपना गोल होगा तो, समझे। देखो अमीर लोग को पता होता है कि भाई ये मैं जी रहा हूँ तो जी क्यों रहा हूँ। आजकल के लोगों को क्या है, सुबह उठे थोड़ा मोड़ा कुछ काम धंधा किए, उसके बाद में टाइम पास किए, दोपहर को सो गए, शाम को खाना खा लिए, रात को फिर से सो गए, थोड़ा टाइम पास करके सो गए। भाई अगर ऐसे ही लाइफ जियोगे ना तो आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, समझे। कड़वा लैंग्वेज है लेकिन ध्यान से सुनो, आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। भाई आप इंसान हो यार, इंसान हो तो कुछ प्रोडक्टिव करो, कुछ बनने के लिए आप बने हो। गाइस तीसरा क्वालिटी है जो कि आपके अंदर होना चाहिए अमीर बनने के लिए, वो है बी ऑप्टिमिस्टिक बट विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच। देखो कोई कोई लोग क्या कहता है ना कि भाई एकदम ऑप्टिमिस्टिक हो कि ये तो मैं फाड़ ही दूंगा, ये तो मैं कर ही लूंगा, ये तो कर ही लूंगा, लेकिन भाई अगर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा ना आपके पास तो आप ना बहुत जगह फेल होने वाले हो। फेल होना गलत बात नहीं है, बट बार बार इतने सारे जगह पे फेल होना मतलब टाइम वेस्ट हुआ ना। तो आपको ना ये ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि भाई देखो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सब कुछ फेस कर लूंगा, बेस्ट है। मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखता हूँ, ये भी बेस्ट है। यहाँ तक सोचना आपके लिए परफेक्ट है, बट कोई भी सिचुएशन आ रहा है ना तो उसका प्रैक्टिकल अप्रोच फाइंड आउट करो कि भाई साहब मैं ये कैसे करूंगा, ये क्रैक कैसे करूंगा, ये प्लान होगा मेरा, ये सब कुछ होगा। तो ये जो चीज है ना, आप प्लानिंग कर रहे हो, क्रैक करने के तरीके ढूंढ रहे हो, सोर्सेज ढूंढ रहे हो, तो ये होता है प्रैक्टिकल अप्रोच। ऑप्टिमिस्टिक रहो कि हाँ भाई ये तो मैं फाड़ के रहूंगा, बट कैसे फाड़ूंगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रिच लोग का क्वालिटी है। और एक बात याद रखना, एवरी सिचुएशन डेफिनेटली हैज वन सॉल्यूशन, सो द गेम ऑफ लाइफ इज टू फाइंड दिस। देखो भाई गेम है या लाइफ क्या है, एक गेम है जिसमें ट्रेजर हंट चलता रहता है। आपको भगवान नए नए सिचुएशन फेंक के देते रहेंगे और आपको उस सिचुएशन का सोल्यूशन निकाल के लाइफ को आगे बढ़ना है। तो यही जो गेम है यार, लाइफ को गेम, और गेम में जीतना आपको आता है ना, गेम बहुत खेलते हो आप मेरे को मालूम है, तो जीतो ना यार, लाइफ है, लाइफ में अमीर बनना है। लाइफ में अमीर बनने को अपना एक गेम बना लो कि मैं लाइफ में बनूंगा अमीर, मेरे पास कौन से सिचुएशन आ रहे, कौन से हर्डल्स आ रहे, सबको पार करूंगा, और ये है एक ट्रेजर हंट। तो चलो भाई ट्रेजर लेते हैं। सो गाइस हमारा फोर्थ क्वालिटी है जो अमीरों में रहता है ना, वो है हैबिट ऑफ टेकिंग करेक्ट बट ओन डिसीजन। जो अमीर लोग रहते हैं ना वो किसी और के डिसीजन पे डिपेंड नहीं रहते। क्या मतलब, वो सुनो, जो अमीर लोग होते हैं ना वो डिसीजन अपने आप से लेते, लेकिन मैक्सिमम टाइम 70-80% टाइम ना वो डिसीजन करेक्ट होता है, समझ पा रहे हो। तो उनके पास ना दिमाग होता है, लॉजिकल सोचने की ताकत होती है, तभी वो करेक्ट डिसीजन लेते हैं ना, और उनका डिसीजन उनका होता है। ऐसा नहीं कि 100 लोग से इन्फ्लुएंस होकर, कभी कोई ये बोल रहा है तो मैं इसका डिसीजन मान लेता हूँ, कभी कोई अलग बोल रहा है तो मैं इसका डिसीजन मान लेता हूँ। सुनते वो लोग सबका है बट करते अपने आप का है, समझ में आ रहे हो। तो ये होता है रिच क्वालिटी का फोर्थ नंबर का, मैंने बता दिया फोर्थ क्वालिटी है जो कि रिच लोग में होता है। गाइस अगर आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हो मनी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब फाइनेंस के लिए, तो भाई साहब आपको ना ये थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा अपना ओन डिसीजन नहीं ले सकते ना, क्योंकि पैसा लगता है, हर डिसीजन के पीछे पैसा लगता है। तो देखो आपको ना तभी वो क्वालिटी काम नहीं आएगा, तो आपको क्वालिटी काम आएगा कन्विंसिंग स्किल्स। जैसे सेल्स में हम अपने क्लाइंट को कन्विंस करते हैं ना, वैसे आपके क्लाइंट हुए आपके मॉम और डैड, तो उनको कन्विंस करना आना चाहिए। तो आपको ना अपने कन्विंसिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, और आप अगर अच्छा कन्विंस उनको कर पाते हो तो आप अपने डिसीजन के लिए उनको मना सकते हो, आप अपना इन्वेस्टर ला सकते हो अपने डिसीजन के लिए। तो ये भी एक मस्त तरीका है, बता दियो आपको अप्लाई करना। सो स्क्रीन भी देख लो, हमेशा मेरा ही बात सुनते रहोगे, स्क्रीन भी थोड़ा पढ़ लिया करो। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द डिसीजन यू टेक शुड बी मैक्सिमम टाइम राइट, ऑल्सो इट शुड बी प्रॉफिटेबल। मतलब ऐसा नहीं कि आप डिसीजन अपना ही लेते जा रहे हो और लॉस पे लॉस करते जा रहे हो, ये बहुत गलत होगा। फिर आप अपने डिसीजन पे मत चलो, आप लोगों से पूछो, लोगों का राय लो, और लोगों को बोलो भाई मेरे को डिसाइड करके दो, समझ पा रहे हो। आप बॉस नहीं हो, आप एम्प्लॉई हो, आपका एम्प्लॉय माइंडसेट है। देखो गलत मत समझना, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं है, सब बॉस नहीं बन सकते। आपको एम्प्लॉय बन के लोगों की सहायता भी करना आना चाहिए, ओके। सो ये बुरा मत समझना कि अरे भाई मेरे को बॉस ही बनना है और ये क्वालिटी मेरे पास नहीं है तो अब क्या करूँ। एम्प्लॉय भी बन के आप अच्छा सा खासा पैसा कमा सकते हो। सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, ये सब कौन है, ये लोग बॉस नहीं है, ये लोग एम्प्लॉय है, बट अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं ना, सीईओ बन चुके हैं ना, एम्प्लॉय बन के घुसे थे, अभी सीईओ बन चुके हैं ना, तो यार वैसे ही समझो आप भी पैसा कमाओगे। पांचों उंगली बराबर नहीं है, ये बात याद रखना। सो जब भी आप डिसीजन लोगे ना, तो आपका हेल्प दो चीज करेगा, हिस्ट्री और फैक्ट्स। अभी हिस्ट्री मतलब मैं क्रोन की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री मतलब आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है लाइफ में वो हेल्प करेगा, और फैक्ट्स हेल्प करेगी जो कि आगे होने वाला ऐसा है, ये ऐसा ही होता है। बहुत सारे रिसर्च इतना बोलते हैं ये सक्सेस रेशियो है, ये सब
फैक्ट्स होते हैं। तो ये दोनों जो डेटा जब आप मिलाओगे ना, तब आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे और वो मैक्सिमम टाइम करेक्ट होगा। ओके गाइस, पांचवा क्वालिटी जो अमीर बनने में ना आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, और अमीरों में भी ना पांचवा ये जो क्वालिटी है कॉमनली पाया जाता है, एटीट्यूड। एटीट्यूड, ये देखो एटीट्यूड, फालतू मत एटीट्यूड दिखाना कि अरे भाई हम ये नहीं करते वो नहीं करते। स्टार्टिंग में ना आपको अपना एटीट्यूड थोड़ा कम रखना पड़ेगा और ज्यादातर आपको सर्व करना पड़ेगा। ओके लेकिन जब आपका जो इंटरनल एटीट्यूड है, आप अपने आप से क्या बात करते हो, सेल्फ टॉक, जो भी आप सेल्फ टॉक करते हो ना वो भी मैटर करता है, वो भी पार्ट होता है आपके एटीट्यूड का। ओके सो एटीट्यूड मतलब क्या, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों में होता है। लोग जो अमीर बनना चाहते हैं और जो अमीर बनते हुए बन रहे होंगे ना, उनके अंदर ये एटीट्यूड बहुत मिलेगा। क्या है वो एटीट्यूड? देखो भाई, एटीट्यूड वो नहीं जो कि आप अपोजिट सेक्स को दिखाते हो कि भाई मैं इसमें इंटरेस्ट ही नहीं हूँ, या तो फिर ये ऐसे मेरे लेवल का नहीं, वो एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ। एटीट्यूड मतलब क्या, जो आप अपने आप से सेल्फ टॉक करके जो एटीट्यूड बना के रखे हो ना, जो माइंडसेट बना के रखे हो ना, वो होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सिचुएशन आने दो मैं उसको टैकल कर लूंगा, कोई भी सिचुएशन आने दो मैं भाई डरता नहीं हूँ, भाई मैं डरूंगा नहीं और मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूंगा, मेरे को कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। ये अच्छी बात है, अपने अंदर एटीट्यूड रखना चाहिए। आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जब आपको कोई हराएगा ना तो आपके एटीट्यूड और ईगो पे वो होगा, फिर आप और इम्प्रूवमेंट करोगे। देखो एटीट्यूड रखने का फायदा बता रहा हूँ, तो जब भी आपको कोई हराएगा ना, देखो आपसे बेहतर ना बहुत लोग हैं दुनिया में, ये फैक्ट है, इसको मानना पड़ेगा। बट आपका ना एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि जब भी मैं कोई भी रूम में रहूँ ना तो मैं सबसे टॉप पे रहूँ, ये मेरा एटीट्यूड है। देखो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि कभी भी कोई भी रूम में रहूँ ना तो मैं सबसे टॉप पे रहना चाहिए। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे अंदर कुछ ना तो कुछ कमी है, मैं उस पर वर्क करूंगा, बट मेरे को टॉप चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस रूम में मैं रहता हूँ ना वहाँ पे मैं सबसे लोएस्ट रहता हूँ या तो फिर मीडियम में रहता हूँ। मेरे को मीडियम में रहना पसंद ही नहीं है, मुझे लोएस्ट और मीडियम में रहना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी रहना पड़ता है। ओके सो मैं देखता हूँ, समझता हूँ कि भाई यार ये जो टॉप पे इसका इसकी क्वालिटीज़ क्या है, ये कर क्या रहा है वैसे। तो अगर मुझे सच में अगर वो चीज़ में इंटरेस्ट है ना, वो चीज़ मेरे को चाहिए, अगर कोई बिजनेस के एनवायरनमेंट में आ जाए, बिजनेस के रूम में आ जाए, तो मैं चाहूँगा कि मैं सबसे टॉप पे रहूँ, मैं सबका सबसे ज़्यादा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसा एटीट्यूड है कि भाई मेरे को चाहिए, तो अब मेरे को इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सब मैं करूंगा। और ये भाई आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे जैसा बन जाओ, बट अगर आपको अगर मेरा क्वालिटी अच्छा लगता है तो आप अपना सकते हो। ओके इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ कि दिस इज ओनली वेपन हु विल ऑलवेज हेल्प यू एनी टफ सिचुएशन। आपका जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वही आपको ना हर टफ सिचुएशन से निकालेगा बाहर। है कोई भी अगर बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस आ जाता है ना, तो लोग एकदम काम रहते हैं भाई, उनको पता है कि भाई मेरा बिजनेस है, मैं इसको अच्छे से संभाल सकता हूँ, मैं बहुत सारे प्लानिंग है मेरे पास, बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से मैं वापस से कमबैक कर सकता हूँ। तो ये होता है उनका एटीट्यूड, और अमीरों का एटीट्यूड होता है, और आप भी अमीर बन सकते हो ऐसे ये पांचों क्वालिटीज को रख के। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो में पांच क्वालिटी जो मैंने बताए हैं वो आप अपने अंदर लाने की कोशिश करोगे। अगर अभी नहीं, तुरंत नहीं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे लाने की कोशिश करो, और अगर तुरंत लाने की कोशिश भी करोगे ना तो आप फेल हो जाओगे। ओके ये मैं सीधा बता दिया, अभी इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देना चाहूंगा। क्यों? बात मानो यार, अगर आप अचानक से सब कुछ करना चाहोगे ना तो आप वापस से वही सेम रूटीन पे आ जाओगे, बोलेंगे यार यार ये हार्ड चीज है, ये मेरे क्वालिटी, ये फालतू चीज बता रहा है और ये काम नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब, जो मैंने ये पांच क्वालिटी बताया ना, वो बहुत ही वेल रिसर्च है और मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ बताया है, तो प्लीज उसको फॉलो करना। अगर आपको अमीर बनना है तो करना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा और सीखने मिला होगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। मैं सिर्फ फिराम यादव, साइनिंग ऑफ बिजनेस से।